महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत टांके व्यक्तिगत टांके और ग्रेवल सड़कों की स्वीकृति जिला परिषद बाड़मेर द्वारा 5 सितंबर 2024 को जारी की गई और उसके बाद में फॉर्म नंबर 6 भर करके पंचायत समिति गुड़ामाला को दिए गए लोगों को इस योजना के तहत रोजगार के लिए। कई बार सरपंच वहाँ पंचायत समिति के विकास अधिकारी से मिले और यहाँ सीओ जिला परिषद से भी मिले, इन कामों को चालू करने के लिए निर्णय किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद में 1/10/24 को एक सड़क स्वीकृत हुई, उसके मस्टोल 6/10 को जारी कर दी और ये 5/9/24 को स्वीकृत कार्य भी शुरू नहीं कर रहे। सिर्फ इसमें राजनीति की वजह से ऐसा हो रहा है। जो वर्तमान सरपंच है वो कांग्रेस विचारधारा, इसलिए इस सरपंच के जो काम है कहने से नहीं होने चाहिए। ये रुकावट पैदा जानबूझकर की जा रही है राजनीति द्वेषता की वजह से। सीओ जिले परिषद से मैंने भी बात की, पहले तो मेरे को उन्होंने कहा कि वीडियो को कह देंगे मस्टोल जारी कर देंगे, लेकिन आखिर में उन्होंने भी आज से 6-7 दिन पहले की बात है उन्होंने भी आग्रह कर दिए कि ये विकास अधिकारी का काम है, मस्टोल जारी करने का मेरे स्तर का काम है नहीं, इसलिए मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। उसके बाद भी 7 दिन और विचार करिए, लेकिन फिर भी आज दिन तक वो कि वो स्थिति है विकास अधिकारी किसी सूरत में मस्टोल जारी करने के पक्ष में नहीं फूट गए। पहले विकास अधिकारी दूसरे थे, अपन करके उन्होंने भी जारी नहीं किया, उनका स्थान बन गया बूढ़ा माधा ने पंचायत समिति से गोरी मना पंचायत समिति, वहाँ दूसरा अतिरिक्त विकास अधिकारी है जो उनको प्रभार दिया गया विकास अधिकारी, वो भी न जारी है। इनसे भी मिले सरपंच, वो अभी चार्ज दिया गया अशोक शर्मा करते हैं, उन्होंने स्पष्ट मना किया कि पूर्व सरपंच है आपके इस पंचायत के, वो नहीं कहेंगे तब तक मस्टोल जारी नहीं करेंगे। अब पूर्व सरपंच के कहने से ही मस्टोल जारी होंगे, अगर वो मना कर देंगे तो जारी नहीं होंगे। ऐसा मैंने मेरे जीवन में ये योजना शुरू हुई महात्मा गांधी नरेगा योजना तब से लेकर कभी देखा नहीं सुना नहीं, और आज ये देखने को मिल रहा है। अब ये सिर्फ जो कांग्रेस विचारधारा के लोग नहीं हैं उन लोगों को काम पे नहीं लगाना, ये इनकी सोची समझी चाल है और इसके तहत ये काम कर रहे हैं, और ऊपर से राजनीतिक दबाव है उस वजह से ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा होने लगा तो आने वाले समय में फिर महात्मा गांधी नरेगा योजना में कांग्रेस विचारधारा के लोगों को तो काम की सोचने की ज़रूरत ही नहीं। अगर ऐसा ही है तो आप इनके जॉब कार्ड को निरस्त कर दीजिए और आदेश जारी कर दीजिए कि हम कांग्रेस विचारधारा के लोगों को महात्मा गांधी नरेगा योजना में काम पर नहीं लगाएंगे, लेकिन वो भी नहीं और अनावश्यक रूप से उनको परेशान कर रहे हैं। इस वजह से ये धरना देने की आज वो बताइए, ये मस्टोल जारी कर दें, अगर मस्टोल जारी नहीं करेंगे तब तक हम यहीं इस धरने पर बैठे रहें। किसका दबाव साहब? दबाव किसका, ये तो अधिकारियों को सब पता है, मैं किसका नाम लेके क्यों कहूँ, वो तो मेरे दबाव तो उनके ऊपर है, दबाव उन्होंने दिया, मेरे से ज़्यादा उनको ध्यान है, पर ये दबाव है। अगर दबाव नहीं है तो वो बता दें किस कारण से जारी नहीं कर रहे, बाद में काम स्वीकृत हो गया उसके मस्टोल जारी कर दिए और 5/9/24 को काम स्वीकृत हुआ उसके मस्टोल जारी नहीं हुई, तो ये भेदभाव कौन हो या नहीं हो क्या है? कहीं ना कहीं मंत्री जी का दबाव है, खास आदमी है, हो गया। तो मैं कह रहा हूँ ना दबाव है, अब मैं किसी व्यक्ति का नाम लेके कहना मेरे लिए ठीक नहीं है, अधिकारियों को सब पता है और अधिकारी भी घुमा करके गोलमाल बात करके इसको लंबा कर रहे हैं। हमने 5/9 को अब आज 21 अक्टूबर हो गया है, इतने दंग तंग इंतजार कर लिया, तो इसका मतलब तो ये हुआ जब तक वो खुश नहीं होंगे, उनके पैरों में नहीं पड़ेंगे, तो अपनी विचारधारा को नहीं बदलेंगे,
तब तक वो मस्टॉल जारी नहीं करेंगे, ये स्पष्ट हो गया, इसलिए धरना देने की जरूरत आई। तो इसके अलावा भी और भी कई काम जैसे प्रभावित हो रहे हैं, जैसे आपके इलाके के, जैसे आप जिस विधानसभा से आप विधायक भी रह चुके हैं, ऐसे और भी कई काम हो रहे हैं प्रभावित? वो तो बाकी सब हो रहे हैं, पर से कम मस्टॉल तो जारी करें, जो लोग काम पे लगना चाहते हैं उनको काम तो मिले ना, लोगों को काम में हर तरह से राजनीतिक भेदभाव से, बाकी तो क्या हो रहा है किस तरह से हो रहा है वो तो ये कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, इनको करने दो, जनता को पता लग जाएगा कि पहले किस प्रकार से काम आम आदमी के साथ होता था और अब किस प्रकार से भेदभाव के हिसाब से काम हो रहा है, वो जनता खुद स्वयं उसका निर्णय कर लेगी। सर, ये जो योजना शुरू की गई थी ये तो लोगों को रोजगार देने के लिए की थी, अब इससे तो रोजगार ही छिन जाएगा फिर तो? हाँ, तो ये लोगों को रोजगार देने के लिए की थी, अब गांव में रोजगार के अवसर भी कम है, क्योंकि अब सड़कों की बहुत कम गुंजाइश है, बन गई सड़कें और टाँके भी बन गए कम है, लेकिन थोड़ी बहुत भी है और वो भी स्वीकृत भी होने के बाद में भी शुरू नहीं करे और रोजगार रोकने की कोशिश करे तो फिर इस योजना का तो उद्देश्य है वो विफल होता है। तो इससे कितने कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं ये मिस्टॉल नहीं जारी होने से? मिस्टॉल जारी होने से मैंने कहा नहीं, जो 69 टाँके हैं, दो सड़कें हैं, इसके तहत अब जितने भी लोग इनके जो नियम है कायदा है उसके हिसाब से दे मिस्टॉल कितने मिस्टॉल जारी करने, कितने लोगों को काम पे लगाना है, वो तो इनके नियम होगा, उस नियम के हम ये नहीं करें इतने ज़्यादा सबको मतलब लगा दो, पर जितने लग सकते हैं जितनी क्षमता है रोजगार की इन कामों पर उतने लोगों को रोजगार दो, मस्टॉल जारी करो, सीधी सी बात है। ठीक।